इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है मेथाइल टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल्स। ठीक है, एसजी फार्मा की ये प्रोडक्ट है। 5 mg में ये ड्रग आती है और आपके पास इस पैकिंग में 10 स्ट्रिप्स ऑफ 10 कैप्सूल्स हैं, यानी टोटल आपको 100 कैप्सूल्स इस पैकिंग में मिल जाती हैं। सबसे पहले तो ये देखिए मिथाइल टेस्टोस्टेरोन क्या चीज है। दरअसल टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिसका मतलब यह है कि ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि चेहरे पे दाढ़ी के बाल आना, स्पर्म्स की प्रोडक्शन होना, टेस्टिस की डेवलपमेंट होना, बच्चे का बालिग होना, ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंसान के जिस्म में करता है। अगर किसी पेशेंट को टेस्टोस्टेरोन प्रेस्क्राइब होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि उसके जिस्म के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके लेवल्स प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो क्या होगा कि उसको इस तरह की मेडिसिन प्रेस्क्राइब होंगी। अब मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो कि इससे ट्रीट होती हैं, जैसे सबसे पहले मर्दों में है एंड्रोजन डेफिशियंसी, यानी अगर किसी मर्द में एंड्रोजन्स की कमी है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, उसकी अगर कमी है तो तकरीबन 10 mg से लेकर 50 mg तक एक दिन में डोज ली जा सकती है, यानी 2 कैप्सूल्स आप दिन में ले सकते हैं। फिर एक और बीमारी होती है हाइपोगोनेडिज्म। अब इसका क्या मतलब होता है, दरअसल जो आपके पास मेल में जो गोनेड्स होते हैं वो टेस्टिस को कहते हैं, अगर वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर रहे स्पर्म्स की या प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो रहे तो उसको हाइपोगोनेडिज्म कहेंगे। हो सकता है टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे, तो फिर 10 mg से लेकर 40 mg तक कैप्सूल्स आप एक दिन में ले सकते हैं। अच्छा, एक और होती है पोस्ट प्यूबर्टल क्रिप्टोकाइडिज्म। इसमें होता यह है कि जो बच्चे बालिग हो जाते हैं बड़े होने के बाद, उन लोगों में भी जो टेस्टिस है या तो वो अपने पोजीशन पर नहीं आते या वो प्रॉपरली मेच्योर नहीं होते, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है और बच्चे पैदा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसी डिजीज के लिए भी 30 mg तक आप एक दिन में डोज ले सकते हैं। खवातीन के लिए भी, अगर तो ब्रेस्ट कैंसर है और वो सर्जिकली ट्रीट नहीं हो सकता, तो ऐसी खवातीन भी मिथाइल टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल कर सकती हैं और उनकी डोज 50 mg से लेकर 200 mg तक हो सकती है। फिर पोस्ट पार्टम ब्रेस्ट पेन है, अगर बच्चा पैदा होने के बाद अगर ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, एनगॉर्जमेंट हो रही है, वो खवातीन भी 3 से 5 दिन तक इस ड्रग का इस्तेमाल करती हैं, 80 mg तक ले सकती हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि ऐसी ड्रग इस्तेमाल करने से जिल्द के ऊपर बहुत सारे दाने निकल आते हैं, जिस्म में पानी जमा हो जाता है, मर्दों में प्रायापिज्म हो रहा है, खवातीन में जो मेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इररेगुलर हो गए हैं, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा टेंशन वाली बात यह है कि सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आपने इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना, वरना बहुत खतरा हो सकता है। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो लोग भी बहुत एहतियात करेंगे इस ड्रग को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिए, साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।